गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर न्यू चैप्टर लेसन नंबर 13. बिकॉज वी हैव कम्प्लीटेड आर लेसन नंबर 12. फिलहाल अभी आपको 11 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं. 10 के मैं आपको सेंड कर रही हूँ ग्रुप पे. 10 के कंप्लीट होते ही आपको 12 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे. ओके, सो टुडे लेट्स स्टार्ट आर लेसन नंबर 13. अ रिवर्स टेल, मतलब एक नदी की हम एक आज स्टोरी पढ़ेंगे. ओके, रिवर की टेल, अ रिवर्स टेल. नदियों की कहानी सुनते हैं हम कि नदियों की लाइफ कैसी होती है. देखिए आपको इस ड्राइंग में ये जो आपको पिक्चर दिखाई जा रही है इसमें देखिए माउंटेन्स बने हुए हैं और नदियाँ कहाँ से स्टार्ट हो रही है. देखिए नदियाँ जो है वो पहाड़ों से होके निकल रही हैं, है ना. नदियों के अगल बगल कितने सारे प्लांट्स दिख रहे हैं आपको, कितने ट्रीज दिख रहे हैं बड़े बड़े. बीच बीच में आपको हाउसेस दिख रहे हैं देखिए प्लांट्स के आसपास. और नदियों में कितनी सारी फिशेस दिख रही हैं ना. पानी में एकदम ब्लू कलर का है, बहुत सारी फिशेज है, कितने सारे एनिमल्स हैं जो नहा रहे हैं. और अगल बगल बिल्डिंग्स बनी हुई हैं देखिए, है ना. वी आर एट पेज नंबर 106 में हम पढ़ रहे हैं. ओके, देखिए नदियों के अगल बगल में इतनी लंबी लंबी बिल्डिंग्स हैं. और देखिए आपके रिवर में शिप भी हैं, बोट भी हैं, और क्या क्या है देखिए, बच्चे भी कुछ दिख रहे हैं. इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें इस नदी में दिख रही हैं. देखिए स्टार्टिंग में नदी का जो पानी था वो कलर ब्लू है. अब धीरे धीरे देखिए इसका कलर जो है ना, कहीं कहीं पे ग्रीन दिख रहा है, कहीं कहीं पे एकदम ब्राउन दिख रहा है, कहीं एकदम ब्लैक हो चुका है, एकदम मटमैला है ना, मडी जैसा दिख रहा है. तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बिल्डिंग्स के आस आपके नदी के आसपास फैक्ट्रीज भी हैं. क्या हैं? फैक्ट्री हैं. तो उस फैक्ट्री का जो मतलब जितनी भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या डस्ट मटेरियल होता है, गंदा पानी होता है, वो सब वहाँ से सेवेज के थ्रू, मतलब ड्रेनेज के थ्रू, वो सारा पानी जो है वो नदी में आके मिल जाता है. और नदी का पानी क्या हो जाता है? डर्टी हो जाता है. जिसकी वजह से देखिए स्टार्टिंग में आपको कितनी सारी फिशेज देखने को मिल रही थी और अब देखिए फिशेज की जो नंबर्स हैं वो कम हो चुके हैं. क्यों? क्योंकि नदी का पानी जहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा है और गंदे पानी में मछलियाँ नहीं रह पाती हैं. जहाँ का पानी गंदा होगा वहाँ पे मछलियां क्या होती हैं? मरना स्टार्ट कर देती हैं. जो फिशेस होती हैं, जो फिश होती हैं, वो केवल क्लीन, नीट एंड क्लीन वाटर पे ही रहती हैं. ओके, उन्हें साफ पानी में ही रहना पसंद है. जैसे ही पानी गंदा होने लगता है वैसे ही फिश क्या होती हैं? मरना स्टार्ट कर देती हैं, उनकी डेथ होने लगती है उसे. तो देखिए यहाँ पे पूरा नदी के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि किस तरीके से नदी का पानी, रिवर का जो वाटर है वो किस तरह से पॉल्यूटेड हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ फैक्ट्रीज, डर्टी वाटर. ओके, फैक्ट्री का जो गंदा पानी निकल के आता है और वही नदियों में, झीलों में मिल जाता है जिससे कि नदी का पानी पूरी तरह पॉल्यूटेड हो जाता है और वहाँ के जितने भी इंसेक्ट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, उनको प्रॉब्लम होने लगती है और वो सफ़र करते हैं और फाइनली उनकी डेथ होने लगती है. इसी तरीके से देखिए लुक केयरफुली एट द पिक्चर, नदी की पिक्चर को बहुत ध्यान से देखिए, इन वर्ड्स को पढ़िए जो लिखे हैं. बोट देखिए, बोट दिख रही होगी आपको, बहता हुआ पानी, फ्लोइंग वाटर मीन्स क्या होता है? बहता हुआ पानी. ब्लू पानी का कलर देखिए कैसे है, ब्लू कलर का है. फिश दिख रही हैं. वाटर प्लांट्स, वाटर प्लांट्स मतलब जो पौधे पानी में उगते हैं, एक्वेटिक प्लांट, जो पौधे पानी में उगते हैं उन्हें एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं या वाटर प्लांट्स कहते हैं. रिवर फाउल, फाउल मीन्स होता है गंदी स्मेल. जहाँ पे पानी में सब गंदी चीज़ें मिक्स हो रही हैं, गंदी चीज़ें उसमें डिजॉल्व हो रही हैं, फैक्ट्री का गंदा पानी आ रहा है, तो वहाँ से नदी का जो पानी है वो स्मेल करने लगता है. फिर आपको बड़ी बड़ी जहाज़ दिख रहे होंगे, ऑयल दिख रहा है, रिवर बैंक्स नदी के किनारे दिख रहे हैं, फैक्ट्रीज दिख रही हैं, वॉशिंग क्लोथ्स, कुछ लोग देखिए कपड़े धुल रहे हैं, कुछ जानवर उसमें नहा रहे हैं, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ उस नदी में हो रही हैं. यूज़ दिस वर्ड्स टू मेक अ स्टोरी, इन वर्ड्स का यूज़ करके आपको स्टोरी बनानी है जैसा कि मैंने अभी आपको बता दी है स्टोरी. ओके, अब यहाँ क्वेश्चन आंसर से देखिए कि लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. वी आर एट पेज नंबर 107. व्हाट इज़ द कलर ऑफ द रिवर वेयर इट बिगिंस, नदी के पानी का कलर कैसा था जब नदी स्टार्ट हुई? तो नदी के कलर का पानी कैसा था? नदी के पानी का कलर था ब्लू. ओके, द कलर ऑफ द रिवर इज ब्लू व्हेन इट बिगिंस, वेयर इट बिगिंस. ओके, नाउ सेकेंड वन है, एट सम प्लेसेस देयर आर मैनी फिश इन द रिवर. कई जगहों पे जब हमने स्टार्ट में देखा था तो बहुत सारी फिशेस थी, कई जगहों पे कुछ ही मछलियाँ देखने को मिल रही थी और कुछ जगहों पर बिल्कुल मरी हुई मछलियाँ, डेड फिश दिख रही थी. तो ऐसा
क्या रीज़न हो सकता है कि इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ फिश से कंपेयर करें तो लास्ट में मछलियाँ जो थी वो डेड मिल रही थी, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ पॉल्यूटेड वाटर, फैक्ट्रीज़ का, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होते हैं, मिल्स होते हैं, उनका डर्टी वाटर जो है वो कहाँ आके इकट्ठा हो रहा था, आपके रिवर में, जिसकी वजह से फिशेस क्या हो गई, मरना स्टार्ट उन्होंने कर दिया, ओके? क्योंकि डर्टी वाटर में, पॉल्यूटेड वाटर में फिश कांट सर्वाइव, ओके? नाउ व्हाट कैन बी सीन इन द रिवर बिफोर इट रीचेस द विलेज, गांव में पहुंचने से पहले क्या देखा गया कि गांव तक पहुंचने में पानी जो है वो काफ़ी पॉल्यूटेड हो चुका है, काफ़ी मछलियां जो हैं वो मर रही हैं। तो इस तरीके से ये आपको आपका क्वेश्चन है, आंसर है इसमें, तो क्वेश्चन आंसर तो हम नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे, फिलहाल यहाँ सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। नाउ टर्न एट पेज नंबर 110, 110 पेज नंबर पे देखेंगे, लिखा है हाउ डज वाटर बिकम अ डर्टी, पानी जो है वो कैसे गंदा हो जाता है। यू सॉ इन द पिक्चर, आपने पिक्चर में देखा दैट एज द रिवर फ्लोड थ्रू और नियर मैनी विलेज, जो रिवर है वो कैसे फ्लो कर रही है, शहरों से भी, गाँव से भी होके गुजर रही है, कस्बों से, है ना, जहाँ जहाँ से वो होके जैसे जैसे गुजर रही है वैसे वैसे नदी का जो कलर है, नदी के जो पानी का कलर है वो चेंज होता जा रहा है। द पीपल यूज़ द रिवर, पीपल जो है पानी, पीपल जो है रिवर को किस किस प्रकार से यूज़ करते हैं, देखिए अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए लोग जो है नदी का पानी इस्तेमाल करते हैं, वो देखिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, कपड़े धुलने के लिए, वॉशिंग क्लोथ, कपड़े धुलने के लिए, अपने जानवरों को, अपने एनिमल्स को नहलाने के लिए, अपने बर्तन साफ़ करने के लिए, अलग अलग तरीके से लोग रिवर के पानी का यूज़ करते हैं। मैनी ऑफ दीज एक्टिविटीज़ मेट द वाटर डर्टी, यही सारे काम जो हैं, यही सारे काम हम नदी में जाकर करते हैं जिससे नदी का पानी क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। द वाटर इन द रिवर कैप चेंजिंग, जो नदी का पानी है वो लगातार चेंज होता रहता है।